हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीएम मोहित तापड़िया। एंड आई नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक हियर। बहुत बहुत टाइम बाद आया हूँ, बट कोई टेंशन नहीं है, मैं आ गया हूँ। आज मैं वापस आपके लिए अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। ये जो चैप्टर मैं आज आपको करवाने वाला हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर किसी एक स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर डिग्री के लिए नहीं है। चैप्टर आपको हर पर्टिकुलर फेज में काम आएगा, अगर आप अकाउंट्स कभी भी कर रहे हैं तो। आज का चैप्टर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, और उन मैसेजेस और कमेंट्स को देख के, पढ़ के, सुन के मुझे आना ही पड़ गया वापस। इट्स नॉट इजी टू बी ऑन यूट्यूब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट टेक्स ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स टू क्रिएट वन सिंगल वीडियो, और इतना कुछ रेवेन्यू सोर्सेस में भी होता नहीं है, तो बहुत मेहनत लगती है काम करने में। क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार से मुझे बुलाया, इतने सारे लोग, इतने सारे मैसेजेस, मुझे आना पड़ा। मैं कोशिश करूंगा, मैं हर हफ्ते आपके लिए एक दो वीडियो लाता रहूं। साथ साथ में मेरी टीम अभी प्लान कर रही है कि हम लोग पूरा का पूरा एक रिवीजन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेसिफिकली 11th और 12th गुजरात वाले बच्चों के लिए। तो वो रिवीजन सेशन मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। दिवाली है, छुट्टियां है, थोड़ी आपको भी पीस होगी, मुझे भी पीस होगी। इसके दौरान हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अकाउंट्स के रिवाइज करेंगे। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक वीडियो रहेगा। मैं आज आपको थ्योरी समझाऊंगा इस चैप्टर की, फिर हम इसके कुछ सम्स देखेंगे अपने अगले वीडियो के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक अकाउंट्स को बहुत टाइम बाद इसलिए मैं पहला बोल रहा हूँ, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन की थ्योरी करवाने वाला हूँ। रेक्टिफिकेशन की थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप 11th कॉमर्स को बिलोंग करते हैं, भले ही आप कोई भी बोर्ड में क्यों ना, गुजरात बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी, रेक्टिफिकेशन की थ्योरी आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभार ये थ्योरी आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं, और कभी कभार एक जनरल नॉलेज के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी रेक्टिफिकेशन के एंट्रीज करेंगे, भैया वो एंट्रीज क्यों की जाती है। आपको पता है अकाउंट्स पढ़ाने का मेरा अपना तरीका, मैं किताबी तरीके से नहीं जाऊंगा। सो रेक्टिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, पहले वो समझते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम जब गलतियां करते हैं, तो गलती को रेक्टिफाई करने के लिए उसको हम काट देते हैं या रब कर देते हैं, अगर पेंसिल से लिखा हो। बट अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी करना अलाउड नहीं होता। अकाउंट्स में अगर आप किसी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो आपको उसको इनवर्स इफेक्ट देना पड़ता है या फिर रिवर्स इफेक्ट देना पड़ता है, मतलब डेबिट को क्रेडिट करना पड़ता है, क्रेडिट को डेबिट करना पड़ता है, तो वो जाके गलती रेक्टिफाई होती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले कुछ गलतियों के बारे में कि अकाउंट्स में कितने तरह की मिस्टेक्स, कितनी तरह की गलतियां हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप अपने रनिंग नोट्स बना सकते हैं, समय रहते रहते आप अपने नोट्स बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को दो बेसिक क्लासिफिकेशन में बांटा है कि भैया गलती क्यों हो सकती है। तो गलती दो रीजन से होती है, पहली होती है ज्ञान की कमी और दूसरी होती है ध्यान की कमी, राइट। दिस इज माई ओन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, सो और आपको बहुत इजी लगेगा, दैट्स अ प्रॉमिस, सो जस्ट फोकस ऑन। सो गलतियां दो तरीके से होती है, पहली होती है ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी मतलब हमारे को अकाउंट्स का नॉलेज ही नहीं है, या हमें अकाउंट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं पता है, हमें अकाउंट्स के बेसिक रूल्स नहीं पता है, और वो रूल्स ना पता होने के कारण हम जो गलती करते हैं, उसे मैंने कैटेगराइज किया अपने फर्स्ट सेगमेंट में, जिसे मैं बोलता हूँ ज्ञान की कमी। और दूसरा हमारा सेगमेंट है ध्यान की कमी, जहां पे हम अपना ध्यान बराबर ना दें, हम कॉन्सेंट्रेट ना करें अपने काम में, तो हम छोटी मोटी गलतियां कर सकते हैं, मिस्टेक्स कर सकते हैं, और ये मिस्टेक्स हमारे अकाउंट्स को कभी भी टैली नहीं होने देता, या टैली होने देगा तो भी करेक्ट पिक्चर प्रेजेंट नहीं करने देगा। तो उसे मैंने कैटेगराइज किया हमारे सेकेंड सेगमेंट में, जिसे हम बोलते हैं ध्यान की कमी। बहुत सारी किताबों के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को चार मिस्टेक्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो मेरे सेगमेंट में ज्ञान की कमी है। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर्स। बट मैंने एक चौथा सेगमेंट और बनाया है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस एरर, जो पूरे का फिफ्थ हो जाता है, ध्यान की कमी वाले सेगमेंट का चौथा सेगमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आज मैं टोटल 5 तरह की मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपके अकाउंट्स पे इफेक्ट आता है। ट्रायल बैलेंस पे आ रहा है नहीं आ रहा, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, आपके अकाउंट्स उसके कारण गलत होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये 5 नए टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं ज्ञान की कमी वाले टॉपिक से। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जब हम बेसिक अकाउंट्स के प्रिंसिपल को ही गलत कर देते हैं, तो भैया अकाउंट्स कहां से टैली होगा? तो ये होते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल।
एरर प्रिंसिपल के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत बार इसमें गलतियां करते हैं, बहुत मुझसे डांट सुनते हैं, तो मैं आपको भी 100% बताता हूँ, आप भी इसमें गलती 100% करोगे ही करोगे। चलिए, सो मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सपोज करते हैं हमने एक मशीनरी परचेज की है, ठीक है। अब जब मशीन हमने परचेज की है, उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भरा है 3,000 रुपीज। तो चलिए भैया बताइए 3,000 रुपीज की जनरल एंट्री क्या आएगी। सो आप लोग इसकी एंट्री करते हैं, मोस्टली बच्चे जो गलती करते हैं वो ऐसे करते हैं, वो करते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिस भी मोड से पेमेंट हुआ है वो 3,000 3,000, जबकि ये वाली जो एंट्री है वो गलत है। तो आप कहेंगे सर सही एंट्री क्या होनी चाहिए, सही एंट्री होनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। So, आना चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, दैट इज 3,000 3,000। इन शॉर्ट आपने गलती से इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए, जबकि अकाउंट्स का रूल कहता है कि अगर अकाउंट्स बनाने के अंदर कोई भी तरह की प्रिंसिपल एरर्स होते हैं, मतलब आपको अकाउंट्स का रूल ही नहीं पता है, अगर आप एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट को इंस्टॉल करने के सारे एक्सपेंसेस उस एसेट के अंदर आने चाहिए, ना कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के अंदर। तो ये आपकी ज्ञान की कमी है, इसलिए इसे कहा जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल से आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भैया आपने डेबिट क्रेडिट बराबर किया है, अमाउंट बराबर लिखी है, तो आपके ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगी, बट तो भी आपके फाइनल अकाउंट्स आपको करेक्ट पिक्चर शो नहीं करेंगे। आपकी मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में आपको कम दिखेगी, जबकि वो कम नहीं ज्यादा होनी चाहिए। ये तो 3,000 का इंस्टॉलेशन है, कितनी सारी मशीन में 30,000 3 लाख तक के इंस्टॉलेशन कॉस्ट होते हैं। अगर वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हम मशीन में प्लस नहीं करेंगे तो हमारा डिप्रिसिएशन में मिस्टेक आएगा, हमारा फाइनल अकाउंट्स कभी भी करेक्ट पिक्चर दिखाएगा नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जिसे मैंने नाम दिया है ज्ञान की कमी, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं ध्यान की कमी वाले, जहां पर ध्यान से नहीं करते हैं तो हमारी गलतियां हो जाती है, जिसमें सबसे पहला आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। अब एरर ऑफ ओमिशन के अंदर अगर हमने कोई पर्टिकुलर एंट्री लिखना ही भूल गए, या तो आधी लिखना भूल गए या पूरी लिखना भूल गए, तो उसे कहा जाता है एरर ऑफ ओमिशन। अगर हम पूरी एंट्री लिखना भूल जाते हैं तो वो एंट्री कहीं पे भी आपके अकाउंट्स पे इफेक्ट नहीं डालती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पर्टिकुलर मशीन परचेज की, आपने पूरी एंट्री ही करना भूल गए, मशीन की एंट्री करना भूल गए, बैंक का बैलेंस माइनस करना भूल गए, मतलब इसको कहा जाता है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन से आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट आता नहीं है, जबकि अगर पार्शियल ओमिशन होगा तो आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा। मतलब अगर आपने पूरी की पूरी एंट्री ही नहीं लिखी मशीन टू बैंक, तो आपने एक गलती डेबिट में कर दी, एक गलती क्रेडिट में कर दी, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, तो उसे कहा जाता है कंप्लीट ओमिशन। बट ये अकाउंट्स कभी भी करेक्ट होते नहीं है। पार्शियल ओमिशन में क्या हुआ, हमने एक तरफ एंट्री कर दी, एक तरफ एंट्री करना भूल गए। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स खरीदे तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब हमने क्या किया, हमने परचेज अकाउंट में एंट्री कर दी बट हम क्रेडिटर्स में एंट्री करना भूल गए, तो इसे कहा जाता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में कभी भी ट्रायल बैलेंस टैली होता नहीं है, क्योंकि आपने एक तरफ एंट्री की है एक तरफ नहीं की है, डेबिट में एंट्री आ गई है क्रेडिट में नहीं आई है, तो क्रेडिट में गैप आएगा ही आएगा, उसे कहा जाता है एरर ऑफ ओमिशन। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको एमसीक्यूज में। नेक्स्ट वन इज ध्यान की कमी का सेकेंड पार्ट होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एरर्स होते हैं। मैंने आपके लिए सारे के सारे एरर लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे कि सबसे पहला एरर, आपने कोई पर्टिकुलर सब्सिडी बुक की जगह दूसरी बुक में एंट्री कर दी। भैया आपने गुड्स खरीदे थे, आपको लिखना चाहिए था परचेज बुक के अंदर, आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, तो वो हो गया एरर ऑफ कमीशन। आपने गलत टोटल कर दिया सब्सिडी बुक का, एरर ऑफ कमीशन। आपने लेजर के टोटल गलत कर दिए, कैलकुलेशन एरर या अरिथमेटिक एरर, अगेन इट इज एरर ऑफ कमीशन। आपने लेजर की रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग कर दी, आपको पता है कि जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होना चाहिए, आपने परचेज में क्रेडिट कर दिया, तो भैया अगेन एरर ऑफ कमीशन। आपने गलत लेजर में पोस्टिंग कर दी, आपने एक एरर को एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड कर दिया, पोस्ट कर दिया, तो ये सारी की सारी एंट्रीज आती है एरर ऑफ कमीशन के हेड के अंदर, और ये सारी एंट्रीज आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती है।
सो ये हो गई सेकेंड मिस्टेक, जहां पे आप जल्दबाजी में गलत टोटल कर रहे हैं, गलत जगह पोस्टिंग कर रहे हैं, गलत गलत टोटल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक एक एंट्री एक से ज्यादा बार कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी भैया आपके ध्यान की कमी है, आपका ध्यान आपके काम में नहीं है, काम में मन लगाए रखो तो गलतियां नहीं होगी। ये हो गया दूसरा ध्यान की कमी का दूसरा। तीसरा होता है कंपेंसेटिंग एरर। कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि भैया हमने एक गलती करी, सामने वाले ने एक गलती करी, हम उसको सट ऑफ कर देंगे, चल जाते तूने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, भूल जा। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो मेरी शादी में नहीं आया, ठीक है, तो मैं उसकी शादी में नहीं गया, तो हमारा ये दोनों की गलती सेट ऑफ हो गई, कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये रिवेंज की भावना रखनी नहीं चाहिए, बट अकाउंट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी कभार एक ही अमाउंट, एक सिंगल अमाउंट की मिस्टेक हम दोनों तरफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 3,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना था, राइट, तो आपको एंट्री करनी थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपको इंटरेस्ट पे करना था 3,000 का, आपने गलती से इंटरेस्ट की एंट्री की ही नहीं, तो भैया ये आपकी मिस्टेक हो गई है। सेम वे आपको 3,000 का एक कमीशन मिलने वाला था, तो आपको एंट्री करनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, राइट, अगेन 3,000 3,000, वापस से आपने क्या किया, आपने ये कमीशन की एंट्री की ही नहीं, तो अब क्या हो गया भैया, एक गलती आपने कर दी डेबिट में, एक गलती आपने कर दी क्रेडिट में, अब आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, क्योंकि आपने 3,000 की खर्चे नहीं दिखाए, 3,000 की कमाई नहीं दिखाई, आपका पूरा अकाउंट्स करेक्ट होगा, आपका प्रॉफिट सही आएगा, आपका बैलेंस शीट सही बनेगा, बट तो भी अकाउंट सही नहीं है, क्योंकि आपने दो गलतियां कर दी, इसलिए वो गलती आमने सामने एडजस्ट हो गई, आपका अकाउंट टैली हो गया, बट वो अकाउंट सही नहीं गिना जाता है। सो इसे कहा जाता है कंपनसेटिंग एरर। हम गलती से जानबूझ के लिए हम गलती से दो ऐसी गलतियां करते हैं जो आमने सामने सेट ऑफ हो जाती है, जिस इस तरह की गलती को ट्रायल बैलेंस से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूरे अकाउंट्स को चेक करना पड़ता है, तो ये मिस्टेक आइडेंटिफाई करना इजी होता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है भैया, आखिरी आ गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एरर क्या होते हैं, हम बहुत बार ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते टाइम गलती कर देते हैं, जैसे कि हमें पता है हमारा कैश का बैलेंस आया है 5,000, हम ट्रायल बैलेंस में लिखते लिखते 5 की जगह 15 कर देते हैं, कैश बैलेंस को डेबिट की जगह क्रेडिट पे लिख देते हैं, बैंक बैलेंसेस कॉपी करनी है हमें 24798, हमने कर दिया 24789, मे बी पॉसिबल, राइट इनफ। सो ऐसी पोस्टिंग एरर्स हम जब कर देते हैं, मतलब लेजर से बैलेंसेस को उठा के ट्रायल बैलेंस में जब हमें शिफ्ट करना पड़ता है, हम जब वो गलतियां कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस एरर। ये एरर आपके ट्रायल बैलेंस को टैली होने देते नहीं है, बट जेन्युइनली मैं बताऊं आजकल ये गलतियां होती नहीं है, क्योंकि जमाना आ गया है टेक्नोलॉजी का, हम कंप्यूटर्स के थ्रू सॉफ्टवेयर्स के थ्रू सारे अकाउंट्स करते हैं, तो ये सारी एंट्रियां नॉर्मली होती नहीं है, ये मिस्टेक्स नॉर्मली होती नहीं है। जनरली लोग अकाउंट्स में गलती करते हैं वो होते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब ज्ञान की कमी वाली गलतियां हम करते हैं, ध्यान की कमी वाली गलतियां हम नॉर्मली करते नहीं है। तो बच्चा लोग ये था आज का थियरी, रेक्टिफिकेशन की थ्योरी है, मैंने रेक्टिफिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सम्स जिससे बोलते हैं, जनरल एंट्रीज जिससे बोलते हैं, वो मैंने क्रिएट करके ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल रखा है, उसके लिंक ऐसा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये थ्योरी पढ़ने के बाद वो वाले कुछ जनरल एंट्रीज के सम्स देख लीजिए, मैं और भी आपको नए नए सम्स ला के दूंगा, आप वो ट्राई कीजिए, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अच्छा लगे तो जरूर से अपने लवली लवली कमेंट्स भेजते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मैं सब काम छोड़ के यहाँ आके बैठा हूँ आप लोग के लिए कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। चलिए वापस से मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।